भारतीय दूतावास ने कतर में रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने और अपनी यात्रा योजनाओं में संशोधन के लिए अपने ट्रेवल एजेंटों से संपर्क करने की सलाह दी है। इसके साथ ही सभी भारतीयों को आगे की घटनाओं के प्रति सतर्क रहने का अनुरोध किया गया है। इस सप्ताह खाड़ी के कई देशों द्वारा कतर से अपने कूटनीतिक संबंध तोड़ लेने के मद्देनजर यह सलाह दी गई है। दूतावास द्वारा यह सलाह बुधवार को जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि संबंधित एयरलाइंस ने उड़ानों में अवरोध के बाद रद्द उड़ानों के लिए धन वापसी की पेशकश की है। सलाह में कहा गया है, भारतीय यात्रियों से अपनी यात्रा व्यवस्था में संशोधन के लिए तथा अपने ट्रेवल एजेंटों से संपर्क करने और आगे की घटनाओं के प्रति सतर्क रहने का अनुरोध किया जाता है। हालांकि यह बात भी सुनिश्चित हो गई है कि इस क्षेत्र में ऐसा कुछ भी घटित नहीं हो रहा जिसको लेकर कतर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा हो। आपको बता दें कि सऊदी अरब, बहरीन, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई तथा मिस्र ने कतर से कथित तौर पर आतंकवाद का समर्थन करने के आरोप लगाते हुए सोमवार को कतर से अपने कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर दूतावास द्वारा किए गए प्रयास के बाद कतर के अधिकारियों ने कहा है कि सामान्य जीवन सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कतर में इस समय करीब 63,000 प्रवासी भारतीय हैं।